हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आप सबका स्वागत है GTA5 के वीडियो में। मेरा नाम है फैगेट और गाइस यार आज है लॉस एंड्रोस का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आप देख रहे हो भाई सामने से 4-5 यार प्लेन एक साथ गए थे तो यार बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया यार। क्या तुम्हें पता है शिनचैन कहाँ है? शिनचैन तो नहीं पता है मुझे। शिनचैन है हमारे पास, हमने उसको किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें से बचाना है तो फटाफट से हमारे पास आओ। क्या शिनचैन को किडनैप कर लिया? अबे कैसे, मतलब क्या? अरे भाई फोन ही काट दिया इन्होंने तो। अरे भाई शिनचैन को किडनैप कर लिया, पर शिनचैन को कोई क्यों किडनैप करेगा? अबे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे एक सेकंड, ये कहाँ मैं आ गया? अरे भाई ये कहाँ आ गया मैं? अबे ये गेट भी बंद हो गया। अरे भाई खोल लो भाई, मैं अंदर हूँ। अबे किसने गेट बंद कर दिया? पहले शिनचैन को किडनैप किया, मुझे किडनैप कर लिया क्या? अरे भाई बचाओ मेरे को। अरे मेरे बॉस ने बोला था इसको किडनैप करने के लिए, इसके भाई को तो हमने किडनैप कर लिया, अब इसको भी किडनैप कर लिया, चलो इसको बॉस के पास लेके चलते हैं। अरे भाई ये तो गाड़ी भी चलाने लग गया। अरे भाई ढंग से चला भाई, कहाँ लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है भाई, छोड़ दे मुझे, मैंने क्या किया भाई? शिनचैन को बोले लेके जाओ भाई, भाई मुझे क्यों लेके जा रहे हो, बचाओ। अबे कितनी देर सोएगा, उठ जा। अरे ये कहाँ हूँ मैं? अबे ये क्या, मैं कहाँ पे हूँ? अरे मुझे यहाँ पे रस्सी भी क्यों लटका रखा है? तो क्या तेरे को 5-स्टार होटल में जाके बिठाऊं? अरे तुम तो वही हो ना जिसके मैंने फोन पे बात करी थी। अबे शिनचैन कहाँ पे और मुझे क्यों पकड़ा भाई, मुझे तो छोड़ो। अरे सब पता तो, रुको जरा सबर करो, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तूने वो काम नहीं किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और शिनचैन को भी नहीं छोड़ूंगा, तो जिंदगी भर इस रस्सी से लटका रहेगा। अरे नहीं नहीं मैं कुछ भी काम करूंगा, बस तुम रस्सी से खोल दो यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे ठीक है रस्सी से खोल दो इसको। हाँ बताओ क्या काम करना है? अरे सुनो मेरी बात, तुम्हें जाना है प्रिजन में। मैं जेल में? अरे मैंने क्या किया यार, मैंने कुछ किया भी नहीं, मैं क्यों जेल में जाऊँ? अरे तुम्हें कैदी बन के नहीं, एक पुलिस वाला बन के जाना है वहाँ पे। क्या पुलिस वाला? हाँ तुम्हें वहाँ पे पुलिस वाला बन के जाना पड़ेगा और वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले तुम्हें सारी सारी कलेक्ट करनी है। कम से कम तुम्हें वहाँ पे 10 दिन रहना पड़ेगा। क्या 10 दिन? हाँ अब मेरी बात सुनो, मैं तुमको बिल्कुल ढंग से समझाता हूँ तुम्हें क्या क्या करना होगा। अच्छा ठीक है समझाओ। A few moments later. तो गाइस यार अभी मुझे उन्होंने भेज दिया एक जेल में। यहाँ पर मैं कोई कैदी नहीं बन के आया हूँ, मैं आया हूँ एक पुलिस वाला बन के। यहाँ पर मुझे सारे जो भी यार कैदी है उनको बिल्कुल ढंग से रखना पड़ेगा, पर वो तो सिर्फ इनको कहने के लिए। हमको यार यहाँ पे कलेक्ट करनी है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि पहले हमें इनका पहले पूरा ट्रस्ट जीतना होगा कि इनको पहले लगना चाहिए कि हम बिल्कुल असली वाले पुलिस वाले हैं। इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम पुलिस वाले नहीं है, और अगर इनको पता चल गया कि हम पुलिस वाले नहीं है तो ये हमें पकड़ के चल देंगे जेल में। और जो वाले पुलिस वाले जिन्होंने शिनचैन को किडनैप किया ना, वो यार शिनचैन को मार देंगे। अब वो भी नहीं पता कि यार वो वाले असली वाले थे कि नहीं, क्या पता उन्होंने ड्रेस पहन रखी पुलिस वालों की। तो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, बस मैं एक ही काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे काम मिले वो मुझे बिल्कुल ढंग से करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी किया तो शिनचैन को वहाँ पे गोली पड़ जाएगी और शिनचैन मर जाएगा। तो अभी यार यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यार यहाँ पे प्रिजनर्स यहाँ पे बैठे हैं जेल में। इन सबको यार 20-20 साल की, कम से कम यार 20 साल से इनकी शुरुआत है, इनकी सजा की 20 साल इस जेल में रहने वाले। तो हमको इनका बिल्कुल देखभाल करनी ढंग से। यहाँ पे देख सकते बहुत सारे प्रिजनर है, तो यार अभी मुझे करना है पहले तो यार एक बार इनकी अटेंडेंस ले लेते हैं। जिन्होंने शिनचैन को किडनैप किया उन्होंने मुझे बिल्कुल ढंग से समझाया था कि मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे वही करना पड़ेगा, वरना शिनचैन को लगी गोली और मैं जाऊंगा लॉस एंड्रोस तो मुझे भी लगी गोली। तो अपन इनकी अटेंडेंस ले लेते फटाफट से। इसका नाम क्या, जो भी नाम अपन को करना है इसकी फटाफट से ले लेते। और एक सेकंड, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? अरे पर कोई बात नहीं, हम तो पुलिस वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम पता है भले नकली पुलिस वाले, पर कोई बात नहीं, पहले मैं जो बाहर आ चुके ना उनकी पहले अटेंडेंस ले लेते, फिर मैं इनको बताऊंगा जो कि अंदर है ना उनकी 12 बजाऊंगा। पहले तो इनकी फटाफट से अटेंडेंस लेते हैं। ये हो गया यहाँ का लास्ट, और मैंने सारे के सारे जो भी जने यार बाहर आ चुके थे अपने आप, मैंने उनकी सारी के सारी अटेंडेंस ले लिए। अब बारी जो के अंदर रह गए थे, तो मेरे पास एक डंडा। अब इनको बता दो अटेंडेंस के लिए बाहर नहीं आते तो क्या होता है, देखो बताओ साले गेंडे बाहर क्यों नहीं आए? अरे मेरी तबीयत खराब है। अबे ऐसे कैसे तबीयत खराब है भाई, अटेंडेंस भी तो आ सकते ना। अबे निकलने यहाँ से, मारूंगा तू, पता नहीं मैं गुंडा हूँ गुंडा। अच्छा बेटा तू गुंडा है, अभी तेरे को बताता हूँ, रुक जा मैं। मेरे सामने गुंडा गर्दी करेगा तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये ले निकल यहाँ से, ये ले खा डंडा। पुलिस वाला हूँ मैं, पुलिस वाला भले नकली हूँ पर पुलिस वाला तो हूँ, चल चुपचाप बाहर आ। तो यार अभी हमने एक की मरम्मत तो कर दी, अब बारी अगले की। पहले इसकी फटाफट अटेंडेंस ले लेते, अभी साले ढीले जल्दी उठाकर थोड़ा जल्दी चला बाहर आना चुपचाप। तो फटाफट से अपने क्रिकर में इसकी भी अटेंडेंस ले लेते। अब देखना यार आराम से बाहर आएगा। अब कैसे बाहर आए, पहले एक बार मैं आ जाता तो मार नहीं खाता ना। अब चलते अपने अगले भाई की तरफ। और इसको क्या हो गया? अरे भाई क्या हो गया, अभी लड़ने जा रहे किसी से? अभी तेरे को बता दो साले मेरे राज में लड़ोगे तुम? अभी मेरे को मर रहे, अभी तेरे को बता दो साले गेंडे मर दे, मेरे को मत मारना कभी भी साला फालतू में लड़ाई करने जाता, मैंने इसको पेल दिया। तो अभी यार अपन चलते हैं बाकी सारे जनों की अटेंडेंस लेते हैं। ये वहां से तो यार यहाँ पे नींद निकाल रहे हैं। हाँ भाई उठ जा भाई, कब उठेगा? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया डिस्को हम देने वाले, करंट ये ले ये ले ये ले। अरे भाई सब क्या ही मजा है इनको करंट देने में। हाँ भाई क्या हो गया, अटेंडेंस ले ली क्या?
तो अभी हमने लास्ट जाने की यार मरम्मत कर दी। अब ये सब के सब यार कल से यार अटेंडेंस में बिल्कुल ढंग से आने वाले, तो अभी इनके सारे के सारे सेल बंद कर दी, तो अभी सबके सब वापस हो चुके जेल में बैग। तो मैंने सारे के सारे जनों की अटेंडेंस ले लिए, तो यार अभी अपन चलते हैं अपने अगले काम की तरफ, देखते हैं अगला काम हमको क्या करना है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, सामान यहाँ पे हमको चेक करने सब क्या है, जिसके भी घर से सामान है हमको उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यार किसी के सामान से यार कुछ भी निकल सकता है, तो हमें बिल्कुल ढंग से चेक करना पड़ेगा, चाहे वो दवाइयां हो चाहे वो टॉफी हो कुछ भी हो। तो इसके अंदर तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि यार ये बहुत सारा इलीगल सामान है यहाँ पे सप्लाई करते हैं अपन, देखते हैं इसके अंदर तो कुछ नहीं है। नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, तो फटाफट से चेक करते सबको। तो अब मैंने सबके सबके डब्बे चेक कर लिए, भाई कुछ भी नहीं मिला, मतलब भाई इतने ज्यादा शरीफ आदमी है सबके सब। चलो कोई बात नहीं, इसको फटाफट से इसको भी पैक करते हैं और रख देते इधर जहाँ पे यार सारे सारे चेक डब्बे हमने रख दिया है यहाँ पे। तो चलते हैं अपने अगले काम की तरफ, क्योंकि यार हमको सबको दिखाना है कि हम बिल्कुल ढंग से काम कर रहे हैं, ताकि यार हमको सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम सारी सारी इन्फॉर्मेशन दे सके यार जिनको यार शिनचैन ने किडनैप किया और जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजे। तो अगर मैंने उनको नहीं दी तो आपको पता ये क्या होने वाला है। तो अभी तक अपने यार वीडियो को लाइक किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और यार यहाँ पे सारे सारे बिजनेस आ चुके, मेरे को इनको बिल्कुल ध्यान रखना है, कुछ भी शरारत नहीं करे। अगर इन्होंने कुछ भी शरारत करी, मतलब जैसे भागने की कोशिश करी, तो मुझे फटाफट से डंडे मारने फुल स्पीड में। तो अभी मैं इनको बिल्कुल ढंग से घूर घूर के देखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। जो भी दिक्कत करेगा उसको डंडे पड़ेंगे, और पहले तो इसको पड़ेंगे। भाई ढंग से चल रहे, सीधा सीधा भाई मचक मचक के चल रहा है। हाँ भाई, और किसी को डंडे वंडे खाने, तेरे को खाने के लिए तू भी खा। मैं इनको ऐसे भी डंडे मार ही सकता हूँ, क्योंकि भाई ये गलत काम करके आए कुछ ना कुछ, क्योंकि 20 साल की जेल में तो इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े गलत गलत काम किए होंगे, जो कि मैं लॉस एंजेलिस में करता रहता हूँ, पर मुझे आज तक कभी ऐसी जेल तो नहीं हुई। अरे मुझसे लड़ रहे, अबे बेटा रुक जा, मैं डंडा निकालने दे, अभी तेरे को बताओ साले मेरे से लड़ेगा, निकल ऐसे। अबे दोनों कमजोर लगे पड़े हो बिल्कुल, हड्डी की ढांचा, निकल ऐसे चुपचाप। तो चलो आज की वॉक हो चुकी है, चलो अपना चुपचाप अंदर चलो, कोई दिक्कत कुछ नहीं करेगा, कोई भी इधर रहा तो उसको डंडे डंडे पड़ेंगे, चुपचाप अंदर चलो चुपचाप सबके साथ। तो अभी सबके सब आ चुके अपने सेल के अंदर, तो मुझे अभी इन सबको चेक करना है कि यार ये कुछ ना कुछ यार सामान तो नहीं लेके आए अपने साथ बाहर से। तो अभी इनको फटाफट लेके चेक करते हैं कि कौन क्या क्या लेके आए, और भाई कुछ लेके तो नहीं आया ना, मुझे लग तो नहीं ये कुछ लेके आए, बिल्कुल सीधे सीधा लग रहा है, और मैंने इसको बहुत डंडे मारे तो ये भी कुछ नहीं करने वाला, अब ये बिल्कुल सुधर गया है। तो अभी अपन चलते हैं अपने अगले प्रिजनर के पास, और इसके पहले चेकिंग कर ले, क्योंकि मुझे ये बदमाश लग रहा है, और इसके पास एक चॉकलेट पड़ी है। चॉकलेट तो चलो छोड़ो यार, इसके पास होती सकती है। तो अभी हम चेक करने वाले इसका पूरा का पूरा रूम। पहले तो हम देखने वाले पिलो के यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इसके बेड के नीचे भी एक बार चेक कर लेते, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं क्या, और कहाँ पे चेक करे। एक काम करते, इसके कमोड में भी चेक करते, बहुत दिक्कत भी बात आ रही है। चलो इसको चेक कर लेते फटाफट से, हमको चेक तो करना ही पड़ेगा भाई, जॉब भी हम ऐसे कर रहे हैं। इसके अंदर देख रहे थे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, छी छी छी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ। इधर भी चेक कर लेते, इधर तो कुछ नहीं है ना, इधर भी कुछ नहीं। तो इसके अंदर पाइप के अंदर भी लास्ट यार चेक कर ही लेते, क्या पता इसके अंदर से अभी कुछ मिल जाए, और इसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो ये तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी निकला, इसके पास सिर्फ एक चॉकलेट थी, और वो तो कोई भी रख ही सकते, यहाँ पे चॉकलेट तो मिलती है। और भाई मेरे से लड़ेगा अभी, तो इसको चेक करते हैं इसके पास क्या क्या है, इसके फटाफट देखते हैं। इसके पास तो अभी कुछ नहीं, इसके बेड वेड चेक करते हैं, इसके बेड के नीचे कुछ है क्या, यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इस पिल्लो के अंदर भी चेक कर लेते, कुछ फाड़ वाड़ के रख तो नहीं रखा, नहीं ये तो बिल्कुल नॉर्मल पिल्लो ही है। इधर भी चेक ही कर लेते एक बार, यहाँ पे कुछ है क्या, पिछली वाले में तो कुछ भी नहीं था, क्या पता इसमें कुछ मिल जाए, नहीं इसमें भी कुछ नहीं मिला, क्या पता इधर मिल जाए। अंदर जाके देखते हैं यार, बहुत ही गंदा है, पर हाथों डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला भाई, कुछ है ही नहीं है किसी के पास, हम फालतू में क्यों चेक कर रहे। इधर रहिए नीचे, इधर भी कुछ नहीं है, इसके पाइप में चेक कर लेते, पक्का यार कुछ होएगा ही नहीं भाई, किसी के पास भी कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब, अबे इसके पास तो ड्रग्स है, और भाई इसे अंदर छुपा रखे, मैं इनको फटाफट से अपने पास रख लेता हूँ, और मैं जाके अपने यार सीनियर को दे दूंगा। अबे साले मेरा डंडा का है भी, इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले, सारे ड्रग्स छुपाएगा वो भी उसके अंदर, नल के अंदर छुपाएगा, अभी तेको बता दो निकले। तो अभी तो ये एक ही फटके में हो चुका है बेहोश, अभी इसको उठा के लेके जाएंगे और भी मारेंगे। अरे फिर उठ रहा है अबे साले और मार खाया, निकल ऐसे। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रिजनर्स को चेक किया, उसमें से बहुत सारी मुझे कई कई चीजें मिली, और किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने सारी सारी चीजें कलेक्ट करी और जाके दे दी मैंने फिर मैंने सीनियर को। तो अभी मुझे इस लास्ट आदमी के पास मिला एक हथौड़ा, इसको बिल्कुल भी छोड़ा, ये ले पेपर, इस पर रखा, ये खा, इसको पूरा खा जा, इसके अंदर खा जा, चल खा जा। अरे नहीं भाई, इसके बाद तो और भी प्रिजनर बचे, अबे इसको छोड़ो, मेरे को और भी प्रिजनर चेक करने हैं। तो अभी मैंने सबको चेक कर लिया, अभी फटाफट से इनके सारे सारे लॉकर बंद कर दिए, और मेरे को जितनी भी चीज़ें मिली, इससे भी चीज़ें मिली, और वहाँ भी बहुत सारी जनों चीज़ें मिली, वो जाके मैं देने वाला अपने सीनियर को। तो सर ये लोग मुझे सारी सारी मैंने चेकिंग कर दी, मुझे ये चीज़ें उधर से मिली है। बहुत बढ़िया ऑफिसर, आज का दिन तुम्हारा खत्म होता है, अब जाके तुम आराम कर सकते हो। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट बताओ। ये था हमारा डे वन हमारे प्रिजन में, जहाँ पे बने हुए एक पुलिस ऑफिसर, कैसा लगा फटाफट से कमेंट बता देना। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें, डिस्क्रिप्शन फटाफट ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।